नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का पावरफुल स्टडी चैनल पर। दोस्तों आज की यह वीडियो आप सभी के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप सभी छात्र छात्रा लगातार नीचे कमेंट करके पूछ रहे थे कि सर ओबीसी और जनरल वालों का अभी तक पैसा क्यों नहीं भेजा जा रहा है, क्योंकि आप सभी को न्यूज पेपर के माध्यम से बताया गया था कि 31 मार्च से पहले पहले आप सभी छात्र छात्राओं का पैसा भेज दिया जाएगा, चाहे जिस भी कैटेगरी के छात्र हों, यानी कि चाहे ओबीसी के छात्र हों या जनरल वाले के छात्र हों या एससी एसटी के। तो दोस्तों आप सभी को बता दें कि अभी तक किन छात्र छात्राओं का पैसा भेजा जा रहा है और ओबीसी और जनरल वालों का पैसा कब तक भेजा जाएगा। जी हाँ दोस्तों, सभी को पूरी जानकारी चाहिए तो आप सभी को इस वीडियो के माध्यम से पूरी जानकारी देखना चाहिए, और एससी एसटी वाले जो विशेष तौर से इस वीडियो को ध्यान से देखेंगे, क्योंकि उनके लिए एक नई सूचना आ चुकी है। उन सभी छात्र छात्राओं को जिनका फॉर्म रिजेक्ट हो चुका है या जिन भी छात्र छात्राओं का फॉर्म में कोई गड़बड़ी थी, उन सभी छात्र छात्राओं को एक नई सूचना जारी की गई है। तो दोस्तों सबसे पहले आप सभी को बता दें कि ओबीसी वालों का पैसा क्यों नहीं भेजा गया। तो दोस्तों आप सभी को बता दें कि अभी तक सिर्फ 70% छात्र छात्राओं को, यहाँ पे एससी एसटी के जितने भी छात्र छात्रा हैं, यानी कि एससी और एसटी यानी कि जितने भी छात्र छात्रा हैं, उन सभी छात्र छात्राओं का यहाँ पे 70% छात्र छात्राओं का पैसा भेज दिया गया है। आप सभी को पता भी होगा, अपने फ्रेंड से बात कर लीजिए जो इस कैटेगरी के छात्र हैं, जो हिजाजी के छात्र हैं। दोस्तों आप सभी को बता दें कि अभी यह नियम लागू किया गया है कि यानी कि एससी एसटी वालों पहले भेजा जा रहा है, फिर ओबीसी वालों का भेजा जाएगा, फिर जनरल वालों का भेजा जाएगा, यानी कि एक क्रम से भेजा जा रहा है, यानी कि ये नहीं कि बीच में एससी का भेज दिया जा रहा है और ओबीसी का है। तो दोस्तों आप सभी को बता दें कि 29 और 30 तारीख को दोस्तों ओबीसी वाले छात्र छात्राओं का पैसा भेजा जाना है। जी हाँ दोस्तों, आप सभी को बता दें कि 31 तारीख यहाँ पे लास्ट डेट है, यानी कि पैसा भेजे जाने का लिए। दोस्तों आप सभी को बता दें कि आप सभी को पैसा भेज दिया जाएगा 100%। दोस्तों आप सभी को बता दें कि यहाँ पे जो ओबीसी वालों का पैसा आज से भेजा जाना शुरू हो जाएगा, और एससी एसटी वालों का दोस्तों बता दें कि 70% छात्र छात्राओं का पैसा भेज दिया गया है और कुछ यानी परसेंट बाकी है। तो उन सभी छात्र छात्राओं को अभी कुछ सुधार करना या कोई दिक्कत हुई तभी नहीं भेजा गया, नहीं तो बाकी सभी का भेज दिया गया, ठीक है। लेकिन अब एससी एसटी और जो ओबीसी वाले छात्र छात्राओं का है और जनरल वाले छात्र छात्राओं का, उनका दोस्तों 31 तक यानी कि 31 तक पैसा 100% आ जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पे देख पाएंगे 3 दिन के अंदर इन छात्र छात्राओं का पैसा मिल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। दोस्तों आप देखो यदि फॉर्म में यदि देख पाएंगे आप सभी का फॉर्म यदि वेरीफाइड है, यानी कि कोई दिक्कत नहीं है, चाहे आपका फॉर्म दिसंबर में वेरीफाइड हुआ हो या जनवरी में या दोस्तों आप सभी को फरवरी में, सबका पैसा यानी कि फर्स्ट और सेकेंड इंस्टॉलमेंट दोनों एक ही साथ आएगी, यानी कि ये नहीं कि बारी बारी से आएगी। दोस्तों लगभग सभी छात्र छात्राओं का जो फर्स्ट इंस्टॉलमेंट और सेकेंड इंस्टॉलमेंट सभी छात्र छात्राओं का साथ में भेजा जाएगा, क्योंकि इस बार सभी छात्र छात्राओं के पास यहाँ पे ज़्यादा अभी सरकार के पास टाइम नहीं है कि यहाँ पे कुछ यानी कि पहले कुछ किस्त में पहले पैसा भेज दिया जाए और कुछ किस्त में थोड़ा बाद में पैसा जाएगा। क्योंकि दोस्तों आप सभी को बता दें कि इस समय जो इस साल की छात्रवृत्ति है बहुत ज़्यादा लेट हो चुकी है, क्योंकि हर बार छात्रवृत्ति का पैसा दोस्तों आप सभी को पता होता है कि जनवरी यानी कि दिसंबर से मिलना शुरू हो जाता था और यहाँ पे मार्च तक यानी कि लास्ट मार्च तक सभी छात्र छात्राओं का पैसा मिल जाता था। लेकिन इस बार क्या हुआ कि अभी तक यानी कि लगभग 90% छात्र छात्राओं का पैसा अभी तक नहीं भेजा गया। तो आप सभी को बता दें कि अभी इसमें ऐसा कोई नियम नहीं है कि अभी सेकंड इंस्टॉलमेंट आएगी और फर्स्ट इंस्टॉलमेंट आएगी, सभी छात्र छात्राओं का एक साथ जोड़ करके पैसा भेजा जाएगा, यानी कि केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों एक साथ पैसा भेजेगी। तो दोस्तों आप सभी को बता दें कि आप सभी को करना क्या है, तो करना यह है कि आप सभी को 31 मार्च तक वेट कर लेना है, क्योंकि यदि आप कहीं भी कंप्लेन भी दर्ज कराओगे तो वो बोलेंगे कि 31 मार्च तक यानी कि समाज कल्याण विभाग की ऑफिस में जाकर कंप्लेन दर्ज कराओगे अभी तक पैसा क्यों नहीं आया, तो वो सब बोलेंगे 31 मार्च तक ही आप वेट करिए। तो आप सभी के पास इसके अलावा कोई उम्मीद नहीं है कि आप बस 31 मार्च तक वेट करिए, आप सभी का पैसा आ जाएगा। दोस्तों आप सभी को बता दें कि एससी एसटी वालों के लिए एक महत्वपूर्ण सूचना आ चुकी है, तो उन सभी छात्र छात्राओं का जिनका फॉर्म रिजेक्ट हो चुका है, दोस्तों आप सभी को बता दें कि अभी यूपी स्कॉलरशिप 2022 और 2023 में एसटी एसटी का जिन भी छात्र छात्राओं ने यहाँ पे उनके फॉर्म में रिजेक्ट हो चुका था, या दोस्तों आप सभी को बता दें कि यहाँ पे देख पाएंगे उनकी यहाँ पे देख पाएंगे ऑनलाइन यानी कि आपने फॉर्म भरा था लेकिन आपके शिक्षण संस्थान यानी कि कॉलेज वाले ने आपका फॉर्म फॉरवर्ड नहीं किया था, या दोस्तों आप सभी का जो देख पाएंगे किसी तकनीकी कारणवश आपका डेटा जो निरस्त हो चुका है, या आपको कोई दिक्कत थी, बैंक वाली प्रॉब्लम थी जिसकी वजह से आप सभी का फॉर्म रिजेक्ट हुआ है DW की तरफ से, उन सभी छात्र छात्राओं के लिए फिर से यहाँ पे पोर्टल ओपन किया जाएगा, जो कि आप स्क्रीन पर देख पाएंगे 15 अप्रैल से लेकर के 15 जून तक बीच के पोर्टल ओपन कर दिया जाएगा छात्रवृत्ति का, और इन सभी छात्र यानी कि जो भी छात्र छात्राओं का रिजेक्ट हुआ है उनकी संख्या 1 लाख से ज़्यादा बताई जा रही है, उन सभी छात्र छात्राओं के लिए अच्छी खबर है कि उनका पैसा अगले वित्तीय वर्ष में भुगतान हो जाएगा, यानी कि आप सभी को अगले वर्ष मिल जाएगा, यह बताया जा रहा है कि समाज कल्याण जो मंत्री हैं असीम अरुण ने कहा है, ठीक है। दोस्तों यहाँ पे देख पाएंगे मैं नहीं खुद कह रहा हूँ कि ये आप सभी का पैसा भेज दिया, यहाँ पे खुद मंत्री जी कह रहे हैं कि कल्याण देख पाएंगे समाज कल्याण मंत्री असीम अरुण ने कहा है कि किसी विद्यार्थी को
उनके संस्थान या तकनीकी कारणों से कोई योजना के लाभ से वंचित नहीं किया जाना चाहिए। यानी कि मान लीजिए स्कूल वाली की गलती है या आपका रिजल्ट अभी तक नहीं जारी हुआ था जिसकी वजह से आपका सभी का फॉर्म रिजेक्ट हुआ है, तो यहाँ पे ऐसे छात्रों को एक अगले वर्ष भुगतान किया जाएगा। दोस्तों आप सभी को यहाँ पे वेट करना है और अपने कॉलेज से यानी कि 15 अप्रैल से और 15 जून के बीच आप सभी को अपना फॉर्म जो है वो यानी कि सही करवा लेना है, ठीक है। दोस्तों ये सभी जानकारी थी। और जो ओबीसी और जनरल एससी एसटी वाले छात्र हैं दोस्तों, यहाँ पे ओबीसी वाले छात्रों को आज से दोस्तों पैसा भेजा जाना शुरू हो जाएगा। तो आप सभी कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आप सभी का पैसा आया है या नहीं आया है। बस आप सभी को वेट करना है 31 मार्च तक, ठीक है। 31 मार्च के बाद आप सभी जो बोलिएगा वो होगा, ठीक है। तो क्योंकि इस वीडियो को अपने सभी दोस्तों के पास शेयर कर दीजिएगा और आप सभी धैर्य बना के रखिए ओबीसी और जनरल वाले, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और इस वीडियो को शेयर जरूर करिएगा।